नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, बताइए। हेलो सर। हेलो, हाँ सर, बोलिए। हम नीरज बोल रहे हैं ना? हाँ सर, नीरज बोल रहे हैं। फोन किए थे। हाँ सर, फोन किए थे। बताइए सर, और बताइए। बढ़िया है, आप बताइए। ठीक ही है सर। आपने मैसेज भी किया था क्या? कुछ काम था? सर काम कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही सर, थोड़ा सा अच्छा, कहाँ डिस्टर्ब हैं थे अभी, सर। क्या हो अभी गया? घर है। हेलो डिस्टर्ब थे, क्या हो गया? सर। सर एग्जाम था, दो तीन, मतलब अभी ग्रुप डी वाला NTPC का दिए थे। उसमें जो है कि सर मलिन नहीं आया एग्जाम घर में। पे। सर घर पे ही चल रहा था, थोड़ा बहुत तैयारी, कहीं गए भी नहीं। उसके बाद सर लॉकडाउन वॉकडाउन भी लग गया, तो सर इसी तरह यूट्यूब से और जो है कि ऐसे ही चलता था। तो सर उसमें भी नहीं मतलब आया। हाँ, उसके बाद ग्रुप डी का था सर, तो उसके बाद सर जो है कि उसका भी डेट टर गया। सर घर वालों के प्रेशर से या फिर जो भी कुछ, मेरी भी थोड़ा मर्जी था सर। MFI कंपनी सर, वो जो काम लोग से वो चले जाते हैं, तो उसी में सर काम थोड़ा सा पकड़ लिए सर। दिमाग काम नहीं करा, वही थोड़ा बात करना था। अरे तो भाई काम पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काम 24 घंटे तो होगा नहीं। सर बहुत बेकार काम है, 10-11 रात बज जाता है। सुबह 6 बजे, 6:30-7 बजे निकल जाएंगे। तो सुबह कितने बजे निकल जाते हैं? 6-7 बजे। हाँ सर, फील्ड में। अच्छा, और रात 10-11 बज जाता है। हाँ सर, जो है कि 2-3 बजे तक ऑफिस से आना, फिर उसके बाद जो है कि फिर कलेक्शन नहीं हुआ पैसे का तो फिर जाइए, फिर उसके बाद सब फॉर्म फिलअप कीजिए सर। यही सब सर काम। देखिए, जिंदगी जो है, जो वास्तविक जिंदगी की लड़ाई है, जो परीक्षा है, वो अभी वास्तविक परीक्षा आप दे रहे हैं, ठीक है? और ये जो परीक्षाएं आप दिए, रिजल्ट नहीं आया, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, उससे निराश नहीं हुआ जाता। तो दो चार परीक्षाएं आप दिए, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं है, बस उसको इस तरह से लीजिए कि अभी तैयारी आपकी उस लेवल की नहीं है जो चाहिए, ठीक हाँ है? सर, हाँ सर, तो है। और आप जो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति की उम्र जो है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल होने लगता है, तो घर वाले भी कहते हैं भैया कुछ करो। सर वास्तविकता बात तो है सर कि प्रेशर काफी पड़ रहा था। वो सबके साथ होता है कि घर वाले एक समय तक जो है आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस समय लड़कपन रहता है, आप पढ़ने लिखने खेलने कूदने में रहते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो फिर जो है जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली जाती हैं कि भैया अब आप ये करो, ऐसे करो, ठीक है? तो आपकी उम्र इस समय जो 22 से तो ऊपर ही होगी। हाँ सर, रियल उम्र सर 24 के आसपास है, रिजल्ट सर 22। अच्छा, चलिए मान लेते हैं 24 और 22 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब जो है घर वालों को, जो आपके पिताजी हैं या अन्य जो भी घर के गार्जियन होंगे, तो उनको भी है कि भाई आगे जो है आप लोगों के लिए सोचना है, शादी विवाह या अन्य जो भी घर में बहन वहन हाँ होंगी, उनकी शादी सर, विवाह। बहन की शादी पड़ी है जून में। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर मैं एक, मेरी एक बहन, दो लोग बस। तो बहन की शादी हो जाएगी अभी, हाँ ठीक। अब इसके बाद जो है फिर आप बचेंगे। हाँ अभी तक सर, घर में बहन थी, तो आपकी माता जी को भी थोड़ा आराम था कि वो हेल्प करती रही होंगी। हाँ सर, अब इसका जब बहन चली जाएगी, तो माता जी एकदम अकेले, हाँ सर। तो अब प्रेशर होगा भैया कि अब जल्दी से इनकी भी शादी की जाए। सर प्रेशर नहीं सर, अगर बहन की शादी नहीं होती तो इन लोग जो है कि अब तक पता नहीं क्या कर दिए होते। क्योंकि सर एक दो लोग आए भी थे, तो सर हमने, हमारी दीदी मतलब बुआ है सर, हम दीदी बोलते हैं उनसे सर, सब बातें मतलब हम शेयर करते हैं, तो उन्हीं से बोले थे कि ऐसे ऐसे बात है। तो वही फूफा जी और दीदी जी जो कि मम्मी से बात की थी कि अरे अभी जरूरत नहीं है, काहे परेशान कर देंगे लड़के को, तो मम्मी से बात की थी, नहीं तो अबले ये लोग पता नहीं क्या करती होते। अरे पता नहीं क्या करते, बहुत करते, शादी करते हो शादी और क्या वही सर, करते हो? मतलब शादी करवाती है उससे सर, मन नहीं सर अभी ना।
अरे मन हो ना हो, शादी कौन सी बहुत ऐसी कोई चीज है कि आपके ऊपर जो है अगर कर दिया अच्छा, जाएगा। नहीं नहीं सर, उस बात नहीं, बात एक सर अभी जो है कि कुछ हुआ नहीं सर, प्रॉब्लम यहाँ पे है सर। देखिए अब आपकी जो स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से हर चीज को देखिए समझिए और आगे का प्लान कीजिए। पहली बात तो अभी तक आप घर से बाहर निकले नहीं। हम उसी समय सभी लोगों से कहते थे भैया अगर घर पर रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम बार बार कहे सबसे कि निकल जाइए, इलाहाबाद निकल जाइए चाहे जहाँ भी। पहली बात तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो घर का त्याग करना ही पड़ता है, और आप जो है उस वक्त किए नहीं और अब जो है करना संभव नहीं है। अब तो कहेंगे भी तो कहाँ संभव, जब आप घर पर हैं और घर वाले जो है आपको पढ़ाई लिखाई न कह के काम के लिए लगा रहे हैं, इट मीन्स अब आप कहेंगे कि हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाने का मतलब है कि कुछ कमाएंगे तो है नहीं लेकिन खर्च जरूर बढ़ जाएगा, 5,000-7,000 रुपये महीना खर्च आने लगेगा। हाँ सर वो तो आएगा, तो अब बाहर जाने की आप बात भी नहीं कर सकते है ना। हाँ सर। तो अब जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको किसी न किसी तरीके से इसी में मैनेज करना होगा और तैयारी घर से ही करनी होगी। और घर से तैयारी का मतलब होता है कि अगर आपको तैयारी करना है, आप चाहे जितना काम कर रहे हैं जितना थक रहे हैं लेकिन आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें इतनी देर हर हाल में पढ़ना है और हमें किस चीज की तैयारी करना है, कोई एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं जीवन में, उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा बताएं आप लोग को कि जितना आप सोचेंगे उससे कम ही मिलेगा, इसलिए हमेशा अपनी सोच को ही ऊंचा रखिए। ठीक है, जो आपकी सोच है उसको ही ऊंचा कर लीजिए ताकि अगर उससे कम होता भी है तो हमारी सोच पहले से इतनी ऊंची रहे, उससे कम वाला जो भी हो वो भी अच्छा वाला ही कोई ना कोई मिले। तो आप अपने दिमाग में हमेशा आप लोग से कहें कि पढ़ाई का लेवल जो रखिए इतना ज्यादा रखिए, इतना डीप रखिए जो आईएएस पीसीएस जैसे पढ़ते हैं, यानी किसी विषय को पढ़िए किसी टॉपिक को पढ़िए तो उसको इतना पढ़ जाइए उसमें कुछ बचे ही ना पढ़ने के लिए, इतना गहराई से पढ़िए। अगर आप जो है कोई विषय हिस्ट्री उठाते हैं ज्योग्राफी उठाते हैं उसका कोई चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर को इतना पढ़ जाइए कि उसमें कहीं से क्वेश्चन पूछे किसी भी तरीके से जी सर आंसर दे दीजिए। लेख लिखना हो तो लेख लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास समय नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं कि रात में आने के बाद या सुबह जाने से पहले एक वीडियो कोई यूट्यूब पर देख लीजिए जो आपको पढ़ना है, आपने देख लिया आधा घंटे का एक घंटे का जी सर। अब इसके बाद आप जब फील्ड में निकलते हैं तो मोबाइल को जेब में रख करके वही वीडियो चला लीजिए, उसको गाने की तरह दिन भर में 4-6 बार सुन लीजिए जी सर। और फिर आने के बाद उस वीडियो को बड़े ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए जी सर। तो आपको पता होगा कि गाना आपको रट्टा नहीं मारना होता, याद हो जाता है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि हम उस गाने को सुनते हैं इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, और एक बार नहीं कई बार सुनते हैं और उसको हम गुनगुनाते हैं, अब वो अपने आप हमें याद हो जाता है, हमें याद नहीं करना पड़ता पढ़ाई की तरह जी सर। तो अब आप पढ़ाई को ही गाना बना लीजिए, यानी कि एक चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था रात में आज पूरे दिन हम उसको बार बार सुनेंगे, और फिर रात में आने के बाद फिर उसी जो है चैप्टर को वीडियो पूरा ध्यान से देख लेंगे। तो अब एक एक चैप्टर भी अगर एक एक दिन में तैयार करेंगे तो भी आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी अपना काम करते हुए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर हो सकता है। मान लेते हैं कि आप मैथ लगाने वाला चीज है, सवाल है, उसको नहीं किया जा सकता उसके लिए बैठ करके, लेकिन इतिहास हुआ भूगोल हुआ जो भी है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो जो भी आपका विषय जो पढ़ रहे हैं उसको आपने एक बार वीडियो को देख लिया अच्छे से जी सर, रात में आने के बाद आप खाना खा रहे हैं जो भी कर रहे हैं वीडियो तो चला के देख ही सकते हैं, कान में लगा लिया आराम से देख रहे हैं, बाहर के शोर से नहीं मतलब है। कान में लगा लेने से क्या होता है कि हमें आसपास का कोई कुछ बोल रहा होता है तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, अपना हम काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ध्यान से उसको एक बार पढ़ लिए, फिर अगले दिन उसी वीडियो को जहां कहीं आप फील्ड में जाते होंगे, कभी तो ऐसा होता होगा कहीं आप बैठे रहते होंगे कोई काम नहीं करना, किसी का इंतजार कर रहे हैं या कहीं जाना है कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो जो खाली समय है उस टाइम को यूज कीजिए ना, और ये नहीं कि नया क्या पढ़ें, कल जो पढ़ा था उसी वीडियो को देखेंगे, यानी कि एक वीडियो को एक दिन दो दिन तक हम लगातार देखेंगे, दिन भर में 10 बार देखेंगे जी।
तो जो चीज हम 10 बार देख लिए, 15 बार देख लिए, बार बार सुन लिए, कैसे नहीं वो हमारे दिमाग में बैठेगा। और ऐसे कर करके आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। 6 महीने के अंदर अगर पर डे एक चैप्टर आप तैयार करते हैं, 1 महीने में 30 दिन है, 6 महीने में 180 दिन, 180 चैप्टर तैयार हो गए। यानी कि 6 महीने में अगर मान लेते हैं सिर्फ इतिहास ही आप उठाते हैं, तो 6 महीने के अंदर आप इतिहास के मास्टर हो जाएंगे। एक विषय तो हो गया तैयार ना? हाँ सर। तो जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां कुछ तो होगा ना। ठीक है, एक साथ हम सारी चीजें नहीं लेकर चलेंगे, एक विषय तैयार हो गया, अब उस विषय के हम रिवीजन करते रहेंगे, अब फिर दूसरे विषय पर चलेंगे। तो जैसे जैसे एक दो विषय पर कमांड करते चलेंगे, ठीक है, समय भी आपका ऐसे भी कट रहा है वैसे भी कटेगा, लेकिन आप अपना तैयारी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, घर परिवार के साथ भी रहेंगे। तो समय को यूज कीजिए। कैसे कर सकते हैं? जो समय 24 घंटा है उसी में से समय चुरा करके प्रयोग कीजिए। सर अभी जो काम था सर, उसमें सर मेरा ट्रेनिंग चल रहा है सर। आज मेरा कल मेरा ट्रेनिंग सर पूरा हुआ है। ठीक, ट्रेनिंग कहाँ चल रहा सर? ट्रेनिंग मेरी चकिया में ही चल रहा था। तो ट्रेनिंग क्या 24 घंटे था? नहीं नहीं ना, कभी भी 24 घंटे कुछ नहीं होता है। नहीं, 8 घंटे सर, सुबह में वही 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होता था, फिर वहाँ के जो स्टाफ लोग थे सर उन्हीं लोगों के साथ, जैसे कि सर जो काम करना है सर वही चीज के बारे में बता रहे थे उन्हीं के साथ। तो जितने समय ट्रेनिंग चल रहा है तो ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं इस टाइम तो सर हो गया, मतलब कल अब 2-3 दिन के बाद सर एग्जाम लेंगे वो लोग। तो अभी फिलहाल ठीक है, 2-3 दिन आप उसी की पढ़ाई कर लीजिए जो भी पढ़ना वढ़ना है। लेकिन जहाँ भी रहिए, चाहे ट्रेनिंग पर रहिए चाहे जहाँ रहिए, कहीं ना कहीं आप बैठ करके लोगों से हंसी मजाक करते होंगे, टाइम पास करते होंगे, जो उस टाइम को अब अपनी पढ़ाई में बदल लीजिए। कि हमें मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट मेरे मोबाइल में हमेशा है, हम जहाँ बैठे रहेंगे, जैसे आपको मान लेते हैं कि हिस्ट्री का कोई चैप्टर आपने कर लिया, प्राचीन भारत आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपने यूट्यूब में डाउनलोड कर लिए, रात में आपने एक बार देख भी लिया, अब वो डाउनलोडेड है, नेट नहीं भी रहेगा तो भी तो यूट्यूब पर चल जाएगा ना वो, क्योंकि डाउनलोड है। हाँ सर, वो डाउनलोड। तो आपने रात में वीडियो को देखा, डाउनलोड कर लिया, अब 1-2 दिन उस वीडियो को 50 बार देख लीजिए, सुन लीजिए, गाना की तरह जी। अगर आप बाइक पर हैं, 2 लोग हैं, तो अगले को दे दीजिए, भैया तुम बाइक चलाओ, कभी चलाने की कोशिश खुद मत कीजिए, बचिए उससे, पीछे बैठ गए, अब कान में आप लगा करके गाना की तरह सुनते रहिए, सामने देखते रहिए, सामने वाला बाइक आगे वाला बाइक चला ही रहा है, आप पीछे बैठे हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, वैसे मोबाइल में देखना उचित नहीं होगा, पीछे बैठकर गाना की तरह सुनते रहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। फील्ड में निकलते हैं तो अकेले निकलते हैं, कोई और भी होता है? नहीं सर, कोई और होता है, मतलब जो वहाँ के स्टाफ लोग होते हैं वो लोग रहते हैं। कोई ना कोई होता है ना। हाँ सर। तो आप फील्ड में निकलेंगे, मान लीजिए यहाँ से सैदूपुर जाना है, यहाँ से साहबगंज जाना है, शिकारगंज जाना है, नौगढ़ जाना है, बबरी जाना है, यही आसपास जाएंगे ना? सर नहीं, मतलब वही ब्रांच सर चकियाँ है, चकियाँ से सर करीब 8-10 किलोमीटर दूर तक जाना होता है। तो 10 किलोमीटर भी जाना है, आराम से बंदा चलेगा तो 10 मिनट लगेगा ना? हाँ सर। तो उससे कोई लो तुम चलाओ, वो भी खुश रहेगा कि हमको मिल रहा है चलाने को, जो भी साथ में उसको चलाने आता है उसको दे दिए, लो तुम चलाओ, पीछे बैठ करके आप सुनते रहिए अपना जो कल डाउनलोड किए थे। मोबाइल को हमेशा चार्ज रखिए, चार्जर हमेशा रखिए, बाइक में बैग होगा ही, उसमें रखे रहिए हमेशा, जहाँ बैठिए जिसके यहाँ जाइए, भैया 10 मिनट इसको लगा दीजिए, तब तक 10 मिनट चार्ज कर लीजिए। तो करना पड़ेगा ना, आपको धुन सवार होना चाहिए पढ़ाई करने का, समय तो हमेशा है, आप समय को निकालना चाहेंगे, करना चाहेंगे तब होगा। किसी को भी इतना समय नहीं मिलता है कि वो आराम से हर चीज कर सके जीवन में, ऐसे ही समय काट करके निकाल करके चोरी करके समय की अपनी जिंदगी से, ऐसे ही तैयारी होती है। ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, आप पहले इंसान नहीं है दुनिया के, ये सबके साथ होता है। वही सर, वही कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, घर वाले सर काम तो आपके पास तो समय ही समय है, रात में जब आप सो रहे हैं तब तो आपकी आंखें बंद है, आपका दिमाग बंद है, लेकिन आप जब काम कर रहे हैं उन काम के घंटों में भी आपको 10 मिनट 20 मिनट बीच बीच में गैप जरूर मिलता है। हाँ सर, मिलता है, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है कि जब आपका अगर 10 घंटे का काम है तो 10 घंटे एकदम लगातार बिजी रहेंगे, नहीं। कोई मजदूरी तो कर नहीं रहे हैं कि फरसा चला रहे हैं, लगातार चलाना है नहीं। तो कान में लगा करके एक बढ़िया सा हेडफोन रख लीजिए, आजकल आता है बड़ा वाला हेडफोन जो बाहर से कान के लगता है। हाँ सर।
वैसा वाला बढ़िया वाला खरीद लीजिए, 500-1000 रुपए का मिलेगा, एकदम बढ़िया से बाइक पर पीछे जब बैठिए तो उसको कान में लगा कर सुनते रहिए अपना लेक्चर, सब समझेगा, गाना सुन रहे हैं समझने दीजिए, आप अपना लेक्चर पर ध्यान दीजिए जी। तो आपके पास समय बहुत है, आप जब बाइक पर चल रहे हैं तब समय है, आप जब कहीं बैठ कर किसी का इंतजार कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का हंसी मजाक कहीं बैठ कर रहे हैं लोगों के साथ, वो समय है। उस समय में आप चुराई, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको चाहेंगे कि उनके साथ आप हंसी मजाक कीजिए, वो जो काम कर रहे हैं वो चीज आप भी कीजिए, लेकिन जब जरूरी नहीं है तो हम वो क्यों करें, हम जरूरी चीजें करेंगे तो क्या दिक्कत है। बहन की शादी है, बढ़िया से तैयारी वारी कीजिए, बहन की शादी बढ़िया से कीजिए, जब मस्त रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इंसान थोड़े हैं जिसको घर से बाहर जाने को नहीं मिल रहा, पढ़ाई करने को नहीं मिल रहा, या जो है बिना किसी काम धंधा के शादी के लिए कहा जा रहा है, पहले इंसान नहीं है आप, सबके साथ होता है इसी तरीके का, ठीक है जी सर। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए, कॉन्फिडेंस लूज होगा तो फिर सब अंधेरा दिखाई देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा सब कुछ हो जाएगा। मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं घर वाले शादी कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, उससे क्या बदल जाएगा, कोई बात नहीं, शादी हो गई, पैसा अभी भी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तब भी यही करना पड़ेगा, थोड़ी सी जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तब भी पढ़ाई हो सकती है, तैयारी हो सकती है, क्या शादी हो जाने के बाद कोई आगे नहीं बढ़ता है? नहीं सर, बढ़ता है क्यों नहीं, लेकिन बल्कि हो सकता है कि शादी हो जाने के बाद और आसान हो जाए, जो आएगी घर में हो सकता है आपकी चीजों को समझे, आपको सपोर्ट करे। पॉजिटिव सोचा कीजिए, नेगेटिव कहीं नहीं होता है, सब पॉजिटिव होता है, जो भी होता है उसके साथ आगे बढ़ा जाता है जीवन में जो चल रहा है। घर वाले सर नहीं समझ रहे हैं ना सर। किसके घर वाले समझते हैं सर? काम के लिए सर, काम करने के लिए सर कई बार प्रेशर डाले, लेकिन सर बाहर जाने के लिए कभी प्रेशर नहीं, एक दो बार बोले भी तो हाँ ठीक है चले जाना चले जाना, बस यही कहकर टाल दी। घर वाले किसी के खुद से नहीं कुछ कहते हैं, आपके घर में मम्मी पापा जो भी लोग हैं उन लोगों ने कितनी पढ़ाई की, कौन सा वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो कहाँ जानते हैं पढ़ाई का क्या कितना महत्व है, अगर जानते भी हैं तो वो कहाँ आपके फेवर में है इस चीज के, तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना। और समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है, वो अपने आस पास जो चीजें देख रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं घर परिवार की, उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं। अगर उनके पास भी आज खुद पैसा होता, ढेर सारा होता, लाखों रुपए होते, बैंक में पड़े होते, तो क्या वो खुद से ना कहते, तब तो वो चाहते कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, वो भी ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, लेकिन आप घर के अकेले हैं, घर से बाहर जाएंगे तो फिर घर पर कौन देखेगा ताकेगा, वो भी अपनी जगह सही सोच रहे हैं कि बेटा है इस काम में भी तो सर घर से दूर ही तो रहना है, सुबह निकले शाम को तो आ गए ना, रात में आ गए ना। नहीं सर, ये तो सर ट्रेनिंग के दौरान अपने गांव के जो नजदीकी ब्रांच होता है सर वहाँ पे, जब ज्वाइनिंग मिलेगी सर तो जिला के बाहर मिलेगा, स्टेट के भी बाहर मिल सकता है, जिले के भी बाहर मिल सकता है। अच्छा, तो इसमें जो ज्वाइनिंग मिल रही है, नौकरी मिल रही है आपको, चाहे जहाँ मिलेगी, ये हो गया कि पैसा मिलेगा पक्का, ठीक। हाँ सर वही सर, लेकिन पैसा भी सर ज्यादा इसमें नहीं है ना सर, 5,000-6,000 सर बेसिक सैलरी और बोनस जो भी कटेगा 2,000-3,000 रुपए तक। अच्छा एक चीज बताइए, कोई लड़का बीटेक किया होगा सुने होंगे? हाँ सर। कोई जो है एमबीए किया होगा सुने होंगे आपके आसपास कहीं ना कोई, कोई ना कोई? जी सर। कितना पैसा ये लोग लगा के एमबीए किए होंगे, बीटेक किए होंगे, क्या लगता है कितना पैसा खर्च किए होंगे? सर बीटेक एमबीए सब करने में सर करीब 2-3 लाख रुपए लग गया होगा। 2-3 लाख रुपए में सपना भी नहीं देख सकते इन पढ़ाई का आप। बीटेक एमबीए सर, बीटेक करने वाला 4 साल का बीटेक करता है, अगर अच्छे जगह से करने जा रहा है तो 10 लाख रुपए कम से कम, 10 लाख से ऊपर कितना जाएगा कोई गिनती नहीं है, अच्छे जगह से करने जा रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। एमबीए करने जाएगा, एमबीए वाला 2 साल का एमबीए करता है, अच्छे जगह से करेगा तो भी 10 लाख रुपए। और जानते हैं फिर इन लोग को नौकरी शुरुआत कहाँ से होती है, कितनी सैलरी मिलती है पहली नौकरी में, क्या लगता है पहली नौकरी में क्या मिलता होगा इनको? कोई आइडिया नहीं है ना? नहीं। 5,000-8,000-7,000 इनकी भी शुरुआत वहीं से होती है। क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा पढ़ाई कर लेने से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है? नहीं, शुरुआत ऐसे ही करना पड़ता है, उसके बाद अपनी दुनिया, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम क्या चीज हैं, तब तो आपको फिर पैसा मिलेगा। सर या तो फिर
सर जो ये काम है सर ना, इसमें टैलेंट टैलेंट का सर कोई मतलब ही नहीं है ऐसा कोई काम ही नहीं है जहाँ टैलेंट का कोई मतलब ही ना हो। सर। इसमें सर बस यही काम करना है क्लाइंटों को, जिसे सर पैसा आप जितना ज्यादा बांटेंगे सर उतना ज्यादा आपको बोनस कटेगा बस। तो यही तो आपके अंदर टैलेंट है, आप कितना बांट सकते हैं। तो सर इसमें टारगेट है सर ना, जैसे सर हम लोग जैसे इस टाइम अगर ज्वाइन करेंगे तो पीसीएम के सर पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद अगर 150 क्लाइंट मतलब नया एडिंग करेंगे सर, 150 एडिंग करेंगे मतलब नई मेंबर जो रहेंगी उनको एडिंग करेंगे तो सीएम मतलब सेंटर मैनेजर बनेंगे, तो उनका सैलरी से 6,000 से होगा जाएगा 7,200 रुपया। अब बोनस जो पैसा सर जो बटा रहेगा उस पे जो है कि जो सीएम रहेंगे मतलब सेंटर मैनेजर जो रहेंगे जो उस पे जो है कि ब्याज आएगा उसका 4% सर उनको बोनस मिलेगा तो ग्रोथ है कि नहीं है ये बताइए, है ना। सर। है ग्रोथ तो है सर। अच्छा, आप जो है ग्रेजुएट हैं, उसी के बेस पर आपको ये जॉब मिल रही होगी। नहीं सर उसमें कोई भी कर सकता है अच्छा, ट्वेल्थ। कोई भी कर सकता है, लेकिन कम से कम उनका मानना होगा कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन हाँ कुछ तो हाँ किया सर हो, हाँ पढ़ाई कुछ सर तो हो, पैसे का हाँ लेन देन का हिसाब किताब है। हाँ ठीक है। अच्छा, आपने कहा टारगेट रहेगा, तो ये बताइए जो एमबीए करके जाएगा उसको नौकरी क्या मिलेगी, वो भी तो किसी कंपनी को पकड़ेगा। हाँ भैया ये साबुन वाली कंपनी है, इनका माल बेचना है। ये भैया गाड़ी वाली कंपनी हीरो होंडा है, इनका गाड़ी बेचना है। ये भैया जो है टूथपेस्ट वाली कंपनी है, इनका टूथपेस्ट बेचना है, उसको भी टारगेट मिलता है कि तो भैया तुमको जो है इस महीने में ये बनारस पूरा दे दिया जा रहा है, तुमको यहाँ से 50 लाख का जो है रिवेन्यू जनरेट करना है। अगले महीने अगर 50 लाख पूरा कर लिए, वाह वाह, पीठ थपथपाएंगे। अगले महीने दे देंगे भैया आप 60 लाख करना है, 60 लाख कर दिए तो अगले महीने 70 लाख, और 70 नहीं हुआ 65 हो गया, 500 गाली खाएंगे। क्या लग रहा है, उनको नहीं मिलता है टारगेट? सबको टारगेट मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, क्या वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं? वहां पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमेशा कुछ न कुछ आपको उससे आगे बढ़ना पड़ता है, टारगेट मिलता रहता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। प्राइवेट में पैसा कम मिलता है, ये सब जानता है, शुरुआत ऐसे होती है। अगर प्राइवेट में अच्छी जॉब चाहिए तो आपको शुरुआत करना होगा, मेहनत से काम करना होगा, अच्छा करके दिखाना होगा। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना अच्छा जो आपको पोस्ट मिलेगा। आज इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या जो भी है, कल दूसरी कंपनी आपको बुलाएंगी। ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, मेरे आंखों के सामने हुआ है कि लोग बहुत छोटे, जैसे एक मेरा दोस्त था वो मेरे साथ 8 में पढ़ा था शायद, कक्षा 8 तक, उसके बाद फिर वो कहाँ चला गया, हम तो कहीं और। फिर बाद में मुलाकात हुई उससे तो मालूम हुआ कि वो बनारस में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, बनारस में आईपी मॉल में वो स्टोरेज में काम कर रहा था, यानी माल ढोने वाला काम था, यहाँ से वहां पहुंचाना है। तो पहली बार जब सुने थे थोड़ा हमें लगा था यार क्या कर रहा है, खैर वो वहां से शुरुआत किया, फिर वहीं पर करते करते वो ऊपर चढ़ता गया, ग्रोथ करता गया, मैनेजर तक पहुंचा, और आज वो गुड़गांव में है और वहां पर मैनेजर के पोस्ट पर है, और करीब करीब 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। समझ में आ रहा है, वो समय लगा और समय के साथ कहाँ चला गया। मेरी मुलाकात एक दिन उससे हो गई थी बैंक के अंदर, जी सर वो आया था 2-4 दिन के लिए, उसका भाई कोई फॉर्म वॉर्म था बैंक में लेकर के चक्कर काट रहा था, बैंक वाले सुन नहीं रहे थे, वो आया था साथ में गया था। तो उसमें भी वो 2-4 दिन बाद बुला रहे थे, कहा मेरा भाई बराबर आता है, आप लोग कहते हैं जिसके नाम पर है वो आए, मैं आ गया हूँ सामने, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो बहस कर लिया, फिर हुआ भैया आप मैनेजर से बात करो, मैनेजर को सीधे जाकर कहता कितना कमाते हो तुम, 60,000, 70,000, 80,000, मैं तुमसे दुगना कमाता हूँ, औकात में रहो, सीधे मैनेजर से बोल रहा है ऐसे। मैनेजर वो भी है, मैनेजर वो भी है, लेकिन वो जान रहा है ये किस लेवल का मैनेजर है, तो उसको उसके औकात तक बता दिया। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, वो जब दुनिया देखा, बाहर निकला, दुनिया में जो भी स्ट्रगल था वो स्ट्रगल को उसने फेस किया, आज वहां तक पहुंच गया है, उसके अंडर में हजारों काम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है, अनुभव लीजिए हर चीज का, कमजोर ना बनिए, इसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि हमें ये काम करना भी है, सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है, अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, हम कोशिश करते रहेंगे, जो हो सकेगा उतना अधिक से अधिक करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।
हाँ नर्वस नहीं होना है, कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, जो है स्थिति परिस्थिति उसी के साथ आगे बढ़ना होता है। तो कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, आप घर के अकेले हैं, समझिए मम्मी पापा क्या चाहते हैं। आपको वो जो है पढ़ाई की तरफ भेजेंगे, कुछ साल लगेगा पढ़ाई में, उसके बाद आप कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन अभी स्थिति क्या कह रही है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो अभी आपको कहीं लगा दिए, कोई बात नहीं, आप ये काम कीजिए, जो ट्रेनिंग मिल रहा है ट्रेनिंग मन से कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए मन से, उसके बाद इस काम को ज्वाइन कीजिए। काम कभी भी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर काम तो छोड़ सकते हैं। तो आया है सामने, ठीक है ये भी करके देख लेते हैं, जो भी चीज सामने आया चलो भाई कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है, करके देख लेते हैं। अपनी पढ़ाई हम जारी रखेंगे, रोज 1 घंटा 2 घंटा हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। और सरकारी नौकरी कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए, कभी किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। जितना आप मेहनत करेंगे पढ़ाई करेंगे उतनी मिलेगी, और कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई के लिए बाहर निकला ही जाए। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो कि घर रह करके सारा काम व्यवस्था देखते हुए लोग आगे नौकरी किए हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, ये लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती जाती रहेंगी। ठीक है सर। पैसा सबसे मुख्य है, पहले पैसा कहाँ से आए इस पर ध्यान दीजिए, पैसा आते रहना चाहिए, पैसा आते रहे फिर और चीजें सोचते रहिए, साथ में करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में, पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन सब कुछ पैसे से ही होता है आज के टाइम में। हाँ, इस बात को मानते हैं ना? हाँ सही से, हम अच्छी तरह से मानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन आज के टाइम में पैसा है तो आप सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पैसा कमाते रहिए, जेब में पैसा पड़ा रहेगा तो मम्मी पापा से नहीं कहना होगा, आप खुद कीजिए अपने से जो आपको करना है, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपका मन करेगा कि कोई क्लास लेना है, चलिए उत्कर्ष क्लास है, दृष्टि कोचिंग है, उनका हमें ऑनलाइन क्लास लेना है, तो मम्मी पापा से नहीं कहना होगा, हम खुद, मेरे जेब में पैसा पड़ा है खुद ही पेमेंट कर दिए, क्लास लेना शुरू कर दिए। हमें कोई बुक खरीदना है, अब मम्मी पापा से नहीं कहना है, मेरे जेब में पैसा पड़ा है उसमें से हमने पैसा खर्च किया, बुक खरीद लिया। तो जेब में जब पैसा होगा तभी तो है ना? हाँ सर पैसा रहेगा तभी तो होगा। हाँ तो पैसे की तरफ आप जा रहे हैं, पैसे की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, पैसा कमाने पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई करना है आगे बढ़ना है कुछ करना है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। निराश ना होइए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, और हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। बात सर ये नहीं है, बात ये सर काम पसंद नहीं आ रहा है, काम ये है कि मतलब इसमें सर टाइम की बहुत ही मगजमारी है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो हमें पसंद नहीं होगा लेकिन हमें करना पड़ेगा। नहीं सर अगर टाइम मिलता सर ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम किसने सर तो बहुत कोई बात नहीं, पहले शुरुआत तो कीजिए, कीजिए तो अभी कितने दिन हुए, कभी भी छोड़ दीजिएगा, दूसरा काम कोई मिल जाएगा इसको छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसा काम मिल जाएगा जहाँ पैसा भी ठीक ठाक हो और समय भी कम देना हो, छोड़ दीजिएगा इसको। सर मई जून में सर ये ग्रुप डी वाला भी करवाएगा सर, इसलिए और डिस्टर्ब है। अरे ग्रुप डी, एक चीज बताइए आप 101% गारंटी लेंगे कि मई जून में आपका ग्रुप डी में हो जाएगा? नहीं सर गारंटी तो नहीं लेंगे सर। नहीं मतलब... लेंगे ना, तो पढ़ाई चुपचाप करते रहिए, जीवन में अपना काम करते रहिए, जो फॉर्म आ रहे हैं वो भरते रहिए, परीक्षा देते रहिए। ठीक है ठीक है, ग्रुप डी आ रहा है, क्या क्या आ रहा है वो सब देते रहिए, फॉर्म भरते रहिए। फॉर्म भरने के लिए अभी पैसा मांगना पड़ता होगा, कमाते रहेंगे 10 फॉर्म भरिए एक की जगह, अभी तो सोच रहे होंगे ये भरें कि न भरें, वो भरें कि न भरें, इतना पैसा लग रहा है। जब पैसा जेब में आता रहेगा तो घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, 500 फॉर्म भरिए, परीक्षा देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कहीं न कहीं सफल हो जाएंगे। ठीक है चलिए रखते हैं फिर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, बाय। प्रणाम। प्रणाम।